नमस्कार बच्चों, आज हम एक नए राग लेकर उपस्थित हुए हैं, राग शुद्ध कल्याण। जी हाँ, राग शुद्ध कल्याण, जो कि कल्याण ठाट से उत्पन्न एक राग है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इस राग के बारे में जानेंगे। राग शुद्ध कल्याण के बारे में चंद्रिका सार में कहा गया है, मानी वर्जे आरोही में तीवर सुर सब जान, धग संवादी वादिते गावत शुद्ध कल्याण। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस राग के आरोह में मध्यम और निषाद वर्जित है, तीव्र सुर सब जान यानी सभी स्वर तीव्र लगते हैं, अवरोह में सातों स्वर लगते हैं और मध्यम तीव्र लगता है, आरोह में वर्जित है। ध ग संवादी वादिते, धवादी, ध संवादी और ग वादी और गावत शुद्ध कल्याण, इस इन गुणों से परिपूर्ण जो राग है तो शुद्ध कल्याण बनती है। शुद्ध कल्याण राग कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है और इसके आरोह में मध्यम और निषाद स्वर वर्जित है। इसका थोड़ा सा विस्तृत हम जानकारी प्राप्त कर लें, परिचय इसके बारे में। इस राग की जाति औढ़व संपूर्ण है। औढ़व संपूर्ण इसलिए क्योंकि आरोह में मध्यम और निषाद वर्जित है, तो पांच स्वरों से औढ़व जाति, और अवरोह सातों स्वरों का है तो संपूर्ण। इस प्रकार औढ़व संपूर्ण जाति है। वादी स्वर गंधार है और संवादी धैवत है। इस राग की प्रकृति साधारणतः भूपाली के जैसी दिखती है, क्योंकि सारे ग प ध स इस तरह का आरोह भूपाली में है, उसमें भी मध्यम और निषाद वर्जित है, लेकिन अवरोह इसका संपूर्ण है, तो वहाँ ये गलतफहमी अपनी दूर हो जाती है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इसका नाम शुद्ध कल्याण है, तो इसके नाम पर आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि शुद्ध कल्याण यानी ये कल्याण का आधार राग नहीं है, वो हम यमन को मानते हैं। प्रत्यक्ष व्यवहार में मध्यम और निषाद, आरोह और अवरोह दोनों में कई बार छोड़े हुए दिखाई देते हैं। इस राग में मंद्र स्थान का प्रयोग भूपाली की अपेक्षा ज्यादा किया जाता है। इस राग के अवरोह में यद्यपि तीव्र मध्यम लेने की अनुमति है, फिर भी कुशल गायक वह स्वर पंचम से ग की ओर आते समय प्रायः मीड द्वारा दिखा देते हैं और क्लियरली मध्यम को नहीं गाते बजाते हैं। जलत तानों में कई बार वो एकदम से छोड़ देते हैं, इसलिए केवल निषाद अवरोह में अनेक बार लिया हुआ दिखाई देता है, जिससे भूपाली और शुद्ध कल्याण को हम अलग अलग समझ सकें। इस राग में पंचम और ऋषभ की संगति बहुत ही सुंदर दिखती है। कुछ ख्याल गायक तानों की सहूलियत के लिए म और नी स्वर आरोह अवरोह दोनों में ही बहुत ही अल्प प्रमाण में लेते हैं, परंतु ये स्वर पूर्णतः गौड़ रखने का वे प्रयत्न करते हैं, इसलिए उनके गायन में विसंगति अधिक नहीं दिखती। इस राग में धैवत का प्रमाण भूपाली के धैवत से कम रखने का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे दोनों रागें अलग अलग पहचानी जा सकें।